बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन वो 29 है, जिसके अंदर हमने प्रपोजल्स के बारे में पढ़ना है। तो अब तक जितने भी लेक्चर्स थे 23 से लेकर 28 तक, उसमें हमने रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, और हमने टोटल जो है 5 से 6 रिपोर्ट्स पढ़ी थी। ठीक है, तो अब रिपोर्ट्स का यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब नया टॉपिक है प्रपोजल का। सबसे पहले हम प्रपोजल की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्लान और सजेशंस, स्पेशली अ फॉर्मल और अ रिटन वन, पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशंस बाय अदर्स। ये डेफिनेशन याद कर लें या ये वाली कर लें। यहाँ से देखें, प्रपोजल का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू सजेस्ट, टू ऑफर अ सोल्यूशन और टू फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया। देखें, आपके पास आपका कोई फ्रेंड आ रहा है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो आपसे क्या करेगा? एक आइडिया लेगा, फिर आप उसको एक सजेशन देते हो। ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन देते हो, उसको एक नया आइडिया देते हो कि आप ऐसे करोगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो किसी को सजेस्ट करना, कोई नया सलूशन देना, ठीक है, कोई नई नया आइडिया देना, ये प्रपोजल के मीनिंग्स में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रपोजल आर कॉमनली रिटन बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रपोजल के यूजेस लिखें, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि लोकल और गवर्नमेंट दोनों प्लेसेस पे प्रपोजल मोस्टली लिखे जाते हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो मोस्टली प्रपोजल लिखती हैं। ठीक है, उनके सर्वेंट्स होते हैं। पब्लिक एजेंसीज एंड इंडस्ट्रीज राइट द प्रपोजल। जितनी भी पब्लिक एजेंसी हैं या इंडस्ट्रीज हैं, वो भी प्रपोजल के थ्रू ही अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करती हैं। टीचर ऑफ कॉलेजेस एंड प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ्टन राइट प्रपोजल्स टू हैव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिसर्च वर्क। जितना भी रिसर्च वर्क के थीसिस प्रोजेक्ट्स करने होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो जितने भी कॉलेज के टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं, वो प्रपोजल्स के ज़रिए ही एक प्रोजेक्ट के बारे में हेल्प लेते हैं दूसरों से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रपोजल होते क्या हैं। किसी को सजेशंस देना या कोई एक प्लान बना लेना, कोई नया आइडिया सजेस्ट करना। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल के अंदर मेन फ़र्क क्या है, कि आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट इज़ ए प्रिपेयर्ड आफ्टर अ स्टडी इज़ कम्प्लीटेड। देखें, रिपोर्ट तब लिखी जाती है जब आप के साथ कोई एक वाकया हो चुका होता है, या आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर लिया होता है। जबकि रिसर्च प्रपोजल जो ये होता है, रिसर्च प्रपोजल इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर अ स्टडी बिगिंस, कि अभी आपने काम अपना बिजनेस शुरू करना है, आप उसके बारे में लोगों से पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये मेन फ़र्क हो गया रिपोर्ट का और प्रपोजल का। रिसर्च रिपोर्ट कम्युनिकेट्स व्हाट वाज एक्चुअली डन इन अ स्टडी एंड व्हाट रिजल्ट। रिसर्च रिपोर्ट ये होती है कि आपने बेसिकली जो कम्युनिकेशन करके अपना काम किया है, उसका रिजल्ट क्या निकला है, आपने उसे क्या कन्क्लूजन्स ली हैं। और जो प्रपोजल होता है, उसमें ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है रिसर्चर्स की, उससे आपने एक नया कौन सा प्लान लिया है, कौन सी जो है स्टडी या कौन सी सजेशंस को लेकर आपने प्रपोजल लिखना है। तो ये दो मेन फ़र्क है कि रिपोर्ट जो है चाहिए आपको। ये मेन फर्क आप लिख सकते हैं, दो दो मेन पॉइंट। आप इसको स्टॉप करके वीडियो को इसको याद कर सकते हैं। आगे देखें, प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर। ठीक है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि दो मेन पॉइंट्स होते हैं जब आप अपना प्रपोजल लिखते हैं, जो आप अपने रीडर से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि मैंने एक प्रपोजल लिखना है या मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं अपने रीडर से क्या एक्सपेक्ट करूंगी? दो चीज़ें एक्सपेक्ट करूंगी। एक ये कि इन योर प्रपोजल यू आस्क डिसीजन मेकर्स टू इन्वेस्ट सम रिसोर्सेज। मैं ये कहूंगी कि जो मेरा रीडर है, वो जब मेरे प्लान, देखिए मैंने काम शुरू करना है, मैं आपके पास अपना एक आइडिया लेकर आऊंगी और कहूंगी कि मैंने ये काम शुरू करना है, आप अपना पैसा मुझे इन्वेस्ट कर लें, हम बाद में 50-50 उसको कर लेंगे जो प्रॉफिट होगा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट को टाइम देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को चला सकूँ। सो दैट द थिंग्स यू प्रपोज कैन बी डन। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने प्रपोज करनी है आपको, सबसे पहले तो प्रपोजल में ये होता है कि आपने हमेशा तारीफें बांधनी होती है। जैसे कि हर बंदा अपनी चीज़ों चीज़ की तारीफों के पुल बांध देता है, कि जी हमेशा आपने अपने प्रपोजल के बारे में पॉजिटिविटी ही देनी होती है अपने रीडर को। कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देना होता, जिससे वो आपका ये रिजेक्ट ना कर दे बिजनेस। ठीक है, या आप जो
प्लान या सजेशन जिसके पास लेके गए हैं उसको वो रिजेक्ट ना करते, हमेशा अपनी रिपोर्ट प्रपोजल के बारे में आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ही देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो रीडर होता है ना वो ये करता है, वो कहता है हमने तो ये सोच लिया कि वो हमारे ऊपर टाइम ज़्यादा लगाएगा, हमारे प्रोजेक्ट पे और मनी भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि रीडर जो है ना बड़ा कॉन्शियसली जो है वो डिसीजंस लेता है। वो ये समझता है कि मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यानी टाइम है, पैसा है या जो भी है, मैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करूँ कि यहाँ पे वो उसका मुझे फ़ायदा ही हो, मुझे उसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, मतलब वो बड़े एहतियात से, दे विल बी एक्यूरेटली अवेयर दैट देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसको पता होता है कि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, दैट इफ़ दे डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द परचेज ऑफ प्रोजेक्ट टू प्रपोज, कि जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोज किया है उसके लिए अगर वो उसको परचेज कर लेता है इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, दोज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्दर अदर यूज़। तो वो कह रहा है कि उसके लिए तो फिर ये चांस है ना कि वो सिर्फ आपके प्रपोजल पर ही वो सारी चीज़ें लगाएगा, रिसोर्सेज लगाएगा, किसी और प्रोजेक्ट के लिए नहीं लगा सकता। तो इसलिए रीडर्स जो है वो बड़े एक्यूरेटली और बड़े कॉन्शियसली काम करते हैं कि उनका पैसा जो है, जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, वो वेस्ट ना हो और वो इन्वेस्टर्स जो है अपने रीडर्स से क्या पॉजिटिविटी रखता है। मतलब तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जिससे वो डिसीजन मेकर्स के जो सफल बंदा जो एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद देखें डेफिनेशन है कॉस्ट की, आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए क्या होती है। ये होती है जी एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द पावर और एबिलिटी टू, ओहो अच्छा, ये यहाँ तक है बस। कॉस्ट की डेफिनेशन है एस्टिमेट द प्राइस ऑफ, यानी कि कॉस्ट का मतलब है कि आप कितना जो है इस पे इन्वेस्ट करेंगे अपने प्रपोजल के ऊपर। कॉस्ट की डेफिनेशन सिर्फ ये पहली लाइन है, ये दोनों डेफिनेशन एक्चुअली ना इकट्ठी लिखी गई हैं। एस्टिमेट द प्राइस ऑफ कि आप अपना कितना कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ये होती है। कितनी आगे होती है आगे याद करनी है आपने कैपेबिलिटी की डेफिनेशन, तो कैपेबिलिटी की होती है कि द पावर और एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए आपके पास कितनी एबिलिटी है ये आपकी कैपेबिलिटी कहलाती है। अब अगर आपको MCQs या कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए कॉस्ट और कैपेबिलिटी की, तो आपने इस तरीके से बतानी है कॉस्ट जो है वो प्राइस होती है या एक टारगेट होता है कि हमने इतने पैसे इस काम के लिए खर्च करने हैं, वो होती है हमारी कॉस्ट। और जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपके पास एक एबिलिटी हो कोई ना कोई काम करने की, वो काम किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, वो आपने कोई स्किल्स इंप्रूव करनी हो अपनी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद देखें आप रिपोर्ट का एक सुपर स्ट्रक्चर होता था, इसी तरह प्रपोजल का भी एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं कि मैंने जो काम शुरू करना है उसके ये पॉजिटिव रिसोर्सेज होंगी, ठीक है। प्रॉब्लम में आप उसको ये बताते हो कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आपका रीडर आप इस्तेमाल करेंगे। देखें इंट्रोडक्शन में क्या होता है, द रीडर्स लर्न जनरली व्हाट यू वांट टू डू, ये होता है आपका इंट्रोडक्शन के आप बेसिकली व्हाट यू, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने सिर्फ यही लिखना होता है व्हाट यू वांट टू डू। प्रॉब्लम के अंदर दर जो रीडर होता है वो आपको कायल करता है, परसुएड डिड कहते हैं कायल करना, आपको कायल करता है, प्रॉब्लम देखता है, ठीक है, उसकी फिर आपकी जरूरियात को देखता है, आपके गोल्स देखता है, प्रॉब्लम के फाइंड कर लिया प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि डिस्कशन यूज करना है। उसके बाद इसके अंदर मेथड्स आ जाते
आपके लिए तो आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है इस तरह के, मतलब वो कह रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा, टॉपिक ये होगा ठीक है, प्रोडक्ट के हवाले से ये सवाल पूछेगा और अपने परसुएसिव पॉइंट ऑफ व्यू देगा। होता है ना उसका दिमाग है ना, उसको कोई ये नहीं होता कि बच्चे ने क्या प्रिपेयर किया क्या। उनका काम होता है कि बेसिक सिर्फ के नोट्स के अंदर से ही बनना है पेपर। अब कहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, वो डायग्राम से भी उठा सकता है ठीक है, कहीं से भी उठा सकता है, तो पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती कि हमने क्वालिफिकेशन। कारोबार को अहमियत देने के लिए और अपने कारोबार को जो है वो परवान चढ़ाने के लिए ठीक है। आगे देखें, कम से ज्यादा से ज्यादा ठीक है, वो आपको सजेस्ट करेगा कि तो वो जो डिटेल्स आ जाती हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, कॉस्ट का मैनेजमेंट के अंदर ये होता है देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना